देश में लॉकडाउन लगाने के बाद से पलायन कर रहे मजदूर लगता है सरकारों के लिए मजबूरी बन चुके हैं। मजदूरों की जीते जी कोई कीमत नहीं समझी गई और अब मरने के बाद उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि जो मजदूर जिंदा हैं उन्हें भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की जा रही है। दो दिन पहले शनिवार को औरैया में सड़क हादसे का शिकार हुए मजदूरों के साथ अमानवीयता की हदें पार करने की एक तस्वीर सामने आई है। औरैया में सड़क हादसे में 26 मजदूरों की जान चली गई थी, जिसमें झारखंड के 12 मजदूर मारे गए हैं, जिनके शवों को ट्रक में भरकर झारखंड रवाना कर दिया गया। साथ ही शवों के साथ किस्मत से बच गए घायल मजदूरों को भी बैठा दिया गया। इस मामले में सियासत तब शुरू हुई जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि ये स्थिति अमानवीय और अत्यंत संवेदनहीन है, झारखंड की सीमा में प्रवेश करते ही घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करें, साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर सूचित करें। खबरों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें ट्रक पर 8 शवों के साथ मजदूर बैठे थे। इस ट्वीट के बाद ट्रकों को प्रयागराज में दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर रोका गया, पूरे हाईवे को छावनी में तब्दील कर दिया गया और एक तरफ के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। इस दौरान करीब 5 घंटे तक ट्रक खड़े रहे, जिसके बाद वहाँ एम्बुलेंस पहुंची और शव वाहन पहुंचे, शवों को उसमें शिफ्ट करके भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि शवों से इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि आगे भी बैठना मुश्किल हो रहा था। आपको बता दें कि 16 मई को औरैया में मजदूरों से भरे 2 ट्रक देर रात नेशनल हाईवे पर टकरा गए। इसमें 24 मजदूरों की मौत हो गई थी जबकि 40 घायल हुए थे। मजदूर चूना लदी बोरियों के बीच दब गए थे। न्यूज़ डेस्क।